अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोसर्स कॉर्नर। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम रजब की नियाज दिला रहे हैं और आलू और चने जो होते हैं ना, उसकी तरकारी बना रहे हैं और पूरियां बना रहे हैं। पार्ट वन और पार्ट टू का व्लॉग मैं शेयर करूँगी आपसे। तो यहाँ हमने प्याज, आलू, टमाटर ये सब ले लिया। पहले ज़ीरा डाल लिया और लाल कर लिया, ठीक है। अब हम चने और आलू का वो बना रहे हैं तरकारी। प्याज डाल दी हमने एक बड़ी, अच्छे से लाल कर लेंगे। सबसे पहले ज़ीरा डाला था, एक बड़ा टोमेटो, दो हरी मिर्च ले ली हमने, काट दी, ठीक है। थोड़े अमाउंट पे बना रहे हैं हम, और मसाले हमने ले लेने, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च भी ले लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया हमने, अच्छा लगता है इसका फ्लेवर भी। जब तरकारी बनाते हैं तो उन चीज़ों में ये तो अच्छा लगता है, राई और ये कड़ी पत्ता। मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के अब इसमें हमने ऐड कर लिया है। भूनेंगे मसाले को, टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। रजब का महीना है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना लेते हैं घर में। और ये चने धो के रख लिए थे, टिन वाले, दो टिन हैं ये चने के। भून के फिर हम आलू डालेंगे। उतने में पूरी के लिए हमने 2 कप मैदा लिया। पूरी बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह, क्रिस्पी और सॉफ्ट। और तकरीबन 1 टेबल स्पून सूजी लिए, 1 टीस्पून घी लिए, थोड़ा सा नमक और कलौंजी डाल देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गूंद लेंगे। सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट डो भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डो होता है, क्रैक्स नहीं होनी चाहिए। और हमने पोटैटो डाल दिए, अब हम भून रहे हैं। जब तक ये भून रहा है, हमारा आटा गुन चुका है। और 2 ग्लास मैंने पानी डाल दिया इसमें ताकि आलू गल जाए। भून लिया था हमने मसाले में इसको। साथ में कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है और ये हम पाकिस्तान से लेकर आए थे, मार्बल का ये बेलते हैं जिसपे, स्पार्कली सा है, बहुत प्यारा। तो पूरियां बेलना शुरू करते हैं अब। मैं वीडियो बना रही हूँ, मम्मी बेल रही हैं। मेरे से तो नक्शे ही बनने थे, नहीं वैसे बन जाता है गोल भी, लेकिन पूरियों का थोड़ा परफेक्ट होना तो अच्छी बनती है। ट्वेंटी सेवन रजब इसराइल में राज होती है। और इसराइल में राज में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जब गए थे तो उन्होंने एक बड़ा सा महल देखा। उन्होंने हज़रत जिब्राइल से पूछा ये किसका है महल, तो उन्होंने कहा जो इंसान गुस्सा पी जाए तो वो इसमें दाखिल होगा। तो देखें कितनी बड़ी बात है गुस्से कंट्रोल करना। मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ये बात मैंने पढ़ी थी कहीं। तो नमाज का तोहफ़ा हमें मिला था और हमें सूरह बकरा की 2 आयतें आखिरी की वो मिली थी हज़रत सल्लम को। और हमारे नबी हम कलाम हुए थे अल्लाह से।
मेरा आज की रात अल्लाह पाक की तरफ से ये खुशखबरी भी उम्मते मोहम्मद को दी गई थी कि जो शख्स अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा, अल्लाह पाक उसको बख्श देगा। तो ये थी कुछ अच्छी अच्छी मालूमात और बातें। तो हम लोग बेल रहे हैं पूरियां, और मेहनत तो बड़ी लगती है लेकिन खाने में 2 मिनट लगते हैं, और बहुत मज़े का बना था ये सब। तो अभी मैं खीर और जो टिकिया होती है उसका मैं part 2 बनाऊंगी, ठीक है? तो देखना मत भूलना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और पूरियां भी अच्छी अच्छी पूरी भी थी। पहली पूरी हमारी तैयार हो चुकी है, इसी तरह हमने सारी पूरियां बना लेनी है। और पूरी के साथ हलवा भी अच्छा लगता है, और चने और आलू की जो तरकारी हम बना रहे हैं वो भी अच्छी लगती है, और खीर के साथ भी बड़े मज़े की लग रही थी। मैंने टेस्ट की तो माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही थी। और ये माशाल्लाह फूल भी रही है और बहुत ही टेस्टी। ज़रूर ट्राई करना आप लोग, इजी रेसिपी है, और खाएं और इन्जॉय करें। मेरे ख्याल से तो हर घर में बनती है, जब मैं ज़्यादातर लोग बनाते हैं। हमारी नानी भी इतनी अच्छी बनाती थी टिकिया जो होती है ना, वो जब मैं रेसिपी शेयर करूँगी तो नानी अच्छी बनाती थी तो मम्मी भी अच्छी बनाती है, और मैं भी सीख चुकी हूँ, इंशाल्लाह मैं भी बनाऊँगी। तो वो बहुत मज़े की है। और कुवैत में लॉकडाउन लग चुका है, 5 बजे तक सब बंद हो जाता है और सन्नाटा हो जाता है रोडों पे। तो हम तकरीबन 5 बजे ही बनाने शुरू हुए थे, नहीं 4 बजे शुरू हुए थे शायद दोपहर में। हाँ, 2 घंटे लगे थे हमें सारी चीज़ें बनाते बनाते। तो काफ़ी टाइम लगा बनाने में, खाने में 2 मिनट नहीं लगे। तो ये कि मेहनत में अजमत, तो मज़ा भी बहुत आया। ये देखें गोल्डन सी माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है पूरियाँ। और मैं चने और ये सब देखूं, अब इसमें हमने पानी डाला था ना तो अभी तक गले नहीं है आलू। ऑयल अच्छी तरह से निकाल लेना, ऑयल काफ़ी होता है ना इसमें, तो सही से ज़रा निकाल के फिर रख देना पूरी। और हमने अपनी पूरियां बॉक्स में रख दी थी ताकि ठंडी ना हो। थोड़ा सा और पानी ऐड किया हमने, और ये पक चुका है, और हमने इस पे गरम मसाला ऐड कर दिया। आलू चने की तरकारी मज़ेदार सी, और अब हम इंजॉय करने लगे हैं। पूरी, चना, खीर और टिकिया मीठी वाली, वो भी अभी मैं शेयर करूँगी part 2 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कौसर्स कॉर्नर। अल्लाह हाफिज़।